बहुत से लोग स्ट्रे डॉग से डरते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग छोटे पपी से भी डरते हैं। ऐसी जगह में जहाँ लोग बचपन से ही बेसहारा कुत्तों को देखते आ रहे हैं, उन्हें कुत्तों के बर्ताव या कुत्तों के प्रति हमारे बर्ताव के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर हम कुत्तों की बात करें तो कई बहुत फ्रेंडली होते हैं और थोड़े से शर्मीले, लेकिन कई डॉग्स ऐसे होते हैं जो बिना किसी के कुछ किए भी चिढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में शुरुआत से बात करते हैं। एक बच्चा अपने माता पिता को कुत्तों से डरते हुए देखता है और वो सीख लेता है कि कुत्ते डरावने होते हैं। कई बार वो डर के मारे कुत्तों को पत्थर और लाठियों से भी मारते हैं और बच्चे सीख जाते हैं कि कुत्तों के प्रति ये व्यवहार सही है। अब एक छोटा सा पपी अपनी पूंछ हिलाते हुए ऐसे एक इंसान के पास आता है। अब याद रखिए, कुत्तों को इसी कारण ब्रीड किया था ताकि वो हमारे साथ रह सके। जब ये पपी ऐसे इंसान के पास जाता है तब उसे पत्थर और लाठियों से मारकर भगा दिया जाता है। फिर पपी सीख जाते हैं कि इंसान डरावने होते हैं। ये पपी बड़ा होने के बाद सीख जाता है कि गुर्राने से, भौंकने से और लोगों पर झपटने से वो इंसानों को अपने से दूर रख सकता है। डर की वजह से कई कुत्ते लोगों को काटने भी लगते हैं। कुत्तों के ये बर्ताव के जवाब में लोग और पत्थर और लाठियों से इनको मारते हैं और कई बार गाड़ियों से भी मार देते हैं। कुत्तों को लगता है कि इंसान डरावने हैं और इंसानों को लगता है कि कुत्ते। इसकी वजह से कुछ मासूमों को भी खतरा हो जाता है। Even lashing out at innocent bystanders. तो इंसानों का गुस्सा बढ़ता ही रहता है, जिसकी वजह से कुत्ते और भी गुस्सैल हो रहे हैं और ये चक्रव्यूह चलता रहेगा जब तक हम इसे तोड़ ना दें। इंसानों के पास सोचने और समझने की क्षमता ज्यादा है, तो इसे रोकने के लिए हम ही कुछ कर सकते हैं। ये करने के 3 तरीके हैं। कुत्ते के बर्ताव के बारे में सीखें और जब वो गुस्सा हो जाता है तब क्या करें उसके बारे में सीखें। आप और अपने बच्चे अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकल के फ्रेंडली पेट डॉग से मिलें। अपने दोस्तों से कहें कि वो अपने डॉग्स को लीश पर ही रखें जब तक आप उनके साथ कंफर्टेबल ना हो जाए, जिससे आप दोनों का डर कम हो सकता है। कोशिश करें कि आप अपने बच्चों के सामने कभी भी कुत्तों के प्रति गुस्से से पेश ना आए। बहुत छोटे बच्चे भी हमारे हाव भाव पहचान जाते हैं और उसी तरह पेश आते हैं, तो ध्यान रखें कि बच्चों के सामने आपका व्यवहार एकदम शांत हो। अगर कुत्तों से डरने वाले लोग कम हो जाते हैं तो लोगों से डरने वाले कुत्ते भी कम हो जाएंगे। आपको कुत्तों को प्यार करना, खाना खिलाना या छूने की भी जरूरत नहीं है, पर कम से कम हमारे बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए एक दूसरे को समझ कर एक साथ मिलकर रह सकते हैं।